चैनल, जैसे कि आपसे पहले डिस्कस किया हमने कि जो हमारी आपकी रिक्वेस्ट थी कि वीडियो जो हैं वो उर्दू या हिंदी में भी होनी चाहिए, तो आज हम अपने पहले टॉपिक को उर्दू या हिंदी में भी लेकर आए। आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है उसका नाम है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, इसमें हम कैसे इसको कर सकते हैं, लोगों को कैसे बता सकते हैं, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे इनक्रेज कर सकते हैं, उनको कैसे इस रास्ते पर लेकर आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि वेस्ट होता क्या है। वेस्ट जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे प्रोडक्शन से, हमारे कंस्ट्रक्शन की साइड से या हमारे किसी भी एक्टिविटी से जो ऐसी कोई फालतू चीज़ निकलती है, जैसा कि बॉक्सेस हो गए, कार्डबोर्ड हो गया, प्लास्टिक की बोतलें हो गई या वो टिन हो गया, जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आता या हमारे उस ज़रूरत के से अलावा होता है, उसे हम वेस्ट कहते हैं। वेस्ट जो है उसके डिफरेंट टाइप होते हैं, डिफरेंट किस्म के, मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट होते हैं। तो उन वेस्ट को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या हो सकता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। असल में जो वेस्ट है वो खाली एक लैंडफिल को ही कवर नहीं करता, जो लैंडफिल है उसी को वो पूर्ण नहीं करता है, उसके अलावा भी हमारा जो इन्वायरमेंट है, अब वो हवा है, उस पर भी असरअंदाज होता है। अगर ये वेस्ट पानी में जाएगा तो जो पानी की मखलूक है, मछलियाँ हैं, फिशेज हैं, उनको भी नुकसान पहुँचाएगा। सेम ऐसे ही अगर ये वेस्ट ज़मीन में जाएगा तो ज़मीन को नुकसान पहुँचाएगा, हमारे पौधे नहीं उगेंगे, पौधे ख़राब हो जाएंगे, हवा ख़राब हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेस्ट के असरात होते हैं। वेस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कोई भी ऐसा वेस्ट जो हमारे जान के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए खतरनाक होता है, उसे कहते हैं ये हैज़रस वेस्ट। उसके अलावा कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो रिसाइकल या रीयूज़ नहीं हो सकते, हम उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो जनरल वेस्ट में जाता है, क्योंकि लैंडफिल में ही जाना होता है, उसका हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। चले हम अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। आज के टॉपिक जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पहले मैंने डिस्कस किया कि वेस्ट जो है वो कोई भी मटीरियल जो हमारी ज़रूरत का नहीं है वो वेस्ट होता है। वो कपड़े भी हो सकते हैं, वो कागज़ भी हो सकता है, वो प्लास्टिक भी हो सकता है, वो मेटल भी हो सकता है। बेहतरीन हल क्या है कि हम उसको सही तरीके से हैंडल कर लें, उसको जनरल वेस्ट में ना डालें, वो लैंडफिल में ना जाए। बेसिक पर्पज़ उसका यही है। अब हम उसको कर कैसे सकते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन हल क्या है, तो पहले तो आपको लोगों के अंदर अवेयरनेस देनी है, लोगों को शऊर देना है, उनको बताना है कि क्या चीज़ जो है वो इस्तेमाल के काबिल है और क्या चीज़ जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें वेस्ट में ही फेंकनी है, वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें ऐसी हम उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं या उन चीज़ों को हम रिसाइकिल करके कुछ और नई चीज़ें उनसे बना सकते हैं। हम उसको वेस्ट मैनेजमेंट की सलाह में हम उसे कहते हैं 3 R's। 3 R's क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस क्या होता है कि उस मिकदार को कम करना जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। जितने हम अगर वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज 1 टन वेस्ट हमारे पास निकल रहा है, 2 टन निकल रहा है, 5 टन निकल रहा है, तो हम उसको कम कैसे कर सकते हैं। कम करने का बेहतरीन तरीका क्या है, रिड्यूस किस चीज़ के अंदर, रिडक्शन किस चीज़ के अंदर, कमी किस चीज़ के अंदर। कमी हम करेंगे जो चीज़ हम परचेज कर रहे हैं। अगर परचेज कम करेंगे तो वेस्ट भी कम जनरेट होगा। अगर हम सिर्फ उतना परचेज करें जितना हमें अपने काम के लिए ज़रूरत है, एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा चीज़ें लेने के लिए ज़रूरत नहीं है। सेम ऐसे ही अगर हम प्रिंटिंग करते हैं पेपर्स की, तो बजाय इसके कि हम सिंगल साइड पर प्रिंट करें, हम डबल साइड पर प्रिंट करें, उससे क्या होगा, जो काम हम 2 पेजेस के ऊपर करते हैं या 2 सफ़ों के ऊपर करते हैं, वो हम 1 सफ़े के ऊपर, वो दोनों, वो प्रिंटिंग जो है वो हम 1 सफ़े के ऊपर डबल साइड में कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जो हमारी ऑफिस की सप्लाईज हैं, जो हम कैंटीन के लिए सामान लेते हैं या अपने कैफेटेरिया के लिए सामान लेते हैं या घर के लिए सामान लेते हैं, बजाय इसके कि हम स्मॉल पैकिंग में लें, छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर लें, हम बड़ी क्वान्टिटी में परचेज कर लें जो ख़राब नहीं होने वाली चीज़ें हैं। लाइक हम चीनी लेते हैं, शुगर है, सारा चावल है, चाय का पत्ती है, दूध है, तो हम जो छोटे छोटे पैकेट लेंगे, जितना कम मिकदार में लेंगे वो जल्दी ख़त्म होगा। जब जल्दी ख़त्म होगा तो उसका खाली रैपर या उसका जो पैकेट है वो वेस्ट में जाएगा। इसकी बजाय अगर हम बड़ा पैकेट लेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल होगा, बजाय इसके कि हम 4 पैकेट लें, हम 1 पैकेट लें, तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, हम वेस्ट जो है वो कम जनरेट करेंगे, बजाय इसके कि हम ज़्यादा वेस्ट जो है वो जनरेट करें। उसके बाद और जो है प्रिंटर्स हैं, प्रिंटर के जो टोनर्स हैं, जो इंक है, जो कैटरेज है, वो हम रिफिल कराएं।
और जैसे कि हम उसे एक दफा इस्तेमाल करके फेंक दें, हम उसे दोबारा उसे रिफिल करा लें, तो वो रिफिल हो जाएगी, हम उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो वेस्ट को, उधार को बढ़ाने से कम कर सकते हैं। और ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रोडक्ट परचेज करें जिनका लाइफ साइकिल जो है वो ज़्यादा हो, या जिसकी उम्र ज़्यादा हो, या जिसके इसकी एक्सपायरी जो डेट है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर छोटी एक्सपायरी की लेंगे तो जल्दी एक्सपायर हो जाएगी, हो सकता है कि उस वक्त के दौरान हम उसको इस्तेमाल ना कर सकें, और हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे तो वो ज़ाया हो जाएगी, वो वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, वेस्ट में तब्दील हो जाएगी, और वेस्ट में तब्दील हो जाएगी तो ज़ाहिर बात है उसे फेंकना पड़ेगा। तो ये एक और तरीका है कि हम उसको ज़्यादा लाइफ वाली प्रोडक्ट खरीदें, ताकि हम उसे ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल कर सकें और वेस्ट को हम कम से कम कर सकें। बेहतरीन हल क्या होता है इन सब चीज़ों का, कि हम डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें जो एक दफ़ा की यूज़ के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, रीयूज़। में क्या है कि हमें उन चीज़ों को इनक्रेज करना है, या अपने जो साथी वर्कर हैं उनको ये तालीम देनी है कि हम वो उस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें जो हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर हम खाना खा रहे हैं तो बजाय इसके कि हम वो प्लेटें, वो चमचे, वो कांटे इस्तेमाल करें जो एक दफ़ा इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाए, उसके बजाय हम वो प्लेटें इस्तेमाल करें जो शीशे की प्लेट है, स्टील के चम्मच है, स्टील के कांटे हैं, ताकि हम उसे दोबारा धो के दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वेस्ट जो है वो कमी होगी उस प्रोडक्ट के अंदर। सेम ऐसे ही जो हमारी बैटरीज हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ टॉर्च के लिए, अपने इक्विपमेंट के लिए, अप्लाइंसिस के लिए, जो हम बैटरियाँ इस्तेमाल करते हैं, ये 4 की, डबल ए की बैटरी है, ट्रिपल ए की बैटरीज हैं, वो क्या होती हैं, वो कुछ अर्से के बाद ख़त्म हो जाती हैं, फिर हमें उन्हें फेंक कर नहीं लेनी पड़ती है। अगर हम उसकी जगह पर रिचार्जेबल बैटरी इस्तेमाल करें तो हम उस वेस्ट को कम कर सकते हैं। दोनों का चलने का वक्त जो है वो सेम होगा, लेकिन एक तो हमें देखना पड़ेगा कि जबकि हम दूसरे को हम उसे दोबारा चार्ज करके हम उसे इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम प्लास्टिक की बोतलें जो है वो यूज़ कर रहे हैं, पेट बॉटल्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं अपने ऑफिस में, मीटिंग्स में, या जनरल काम के अंदर, उसकी जगह पर हम अगर रीयूजेबल बॉटल लेकर आए जिसे हम रीफिल करते हैं, वो यूज़ करें तो हम प्लास्टिक को वेस्ट में कन्वर्ट करने से बचा सकते हैं। उसकी जगह पर हम पानी के डिस्पेंसर लगा सकते हैं, बजाय इसके कि हम पानी की बोतलें खरीद लें, पानी के डिस्पेंसर लगाएं, रीयूजेबल बोतलें दें लोगों को, या लोग खुद खरीदें और वो इस्तेमाल करें, उससे क्या होगा, हम प्लास्टिक वेस्ट में कमी करेंगे। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें वो है रिसाइकिलिंग। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें यूज़ करना ही पड़ता है, बजाय उसको फेंकने के हमें उसे वेस्ट से या कचरे से अलग कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन चीज़ों को हम दोबारा इस्तेमाल करके किसी और, कोई और चीज़ हम उससे बना सकते हैं। लेकिन हम अगर प्लास्टिक की बोतलें हमने यूज़ की हैं तो बजाय हम उसे कचरे फेंकें, हम उसे कचरे से अलग कर लें। हम उसे कचरे से अलग कर लेंगे तो हम उसे किसी रिसाइकिल वाले कंपनी को देंगे जो उसे पिघला कर उससे कोई नई प्रोडक्ट बना लेगा। इसे हम कहते हैं रिसाइकिलिंग, किसी एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके कोई नई प्रोडक्ट बना लेना। सेम ऐसे ही हमारे पास यूज़ पेपर होते हैं, जो कागज़ हैं वो ख़त्म है, कार्डबोर्ड है वह बचते हैं, हमारे पास बॉक्सेस बचते हैं, तो वो हम रिसाइकल वाले लोगों को दें, वो उससे क्या करेंगे, वो उस कागज़ को, उस कार्डबोर्ड को प्रोसेस करके उससे कोई और कागज़ की चीज़ जो है वो बना सकते हैं। जितना भी बॉक्सेस बनते हैं वो ज़्यादातर रीयूजेबल कागज़ से बनते हैं। सेम ऐसे हम अपने प्रिंटिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसमें रीयूजेबल जो रिसाइकल कागज़ है हम वो लेकर आ सकते हैं, जो किसी और कागज़ को इस्तेमाल करके दोबारा बनाया गया। सेम ऐसे ही जो हमारे कपड़े हैं, जूते हैं, बजाय इसके कि हम उन्हें फेंक दें कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद, वो उसे हमें डोनेट कर देना चाहिए किसी को, तो वो किसी और के इस्तेमाल में आ सकते हैं। जो चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं उसके अंदर पेपर है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, मेटल है, जिसे हम लोहा कहते हैं, ग्लास है, वो भी आपका रिसाइकिल हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी होंगी कैसे, उस सब चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले तो आपको लोगों को अवेयरनेस देना है, शऊर देना है कि आपको इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है। वेस्ट आपको ज़्यादा जनरेट नहीं करना, आपको अगर वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उसको जनरल वेस्ट में शामिल नहीं करना, उसको अलग करना है, उसको सेग्रीगेट करना है, हर चीज़ को अलग अलग रखना है। लाइक प्लास्टिक है तो अलग है होना चाहिए, मेटल है तो अलग होना चाहिए, सेम ऐसे ही दूसरा जो वेस्ट है उस सबको अलग अलग होना चाहिए, ताकि वो हम उसे रिसाइकिल या रीयूज करने के काबिल बना सकें। तो ये सब कुछ करने के लिए आपको अवेयरनेस देना है। अवेयरनेस देने के बहुत तरीके हैं, आप ईमेल के थ्रू दे सकते हो, अगर आप ऑफिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तो ईमेल है, ईटीवी स्क्रीन्स हैं उसके ऊपर आप चला सकते हैं, उससे आप लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। अगर आप किसी फैक्ट्री में हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं, तो आप पोस्टर्स बना सकते हैं ताकि आप वो डिस्प्ले करें और लोग उसको पढ़ते रहें बार बार।
और वो उससे सीख सके। कोशिश करें कि जब भी आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो या आप कंस्ट्रक्शन साइट पर हो, तो आपके जो कोवर्कर्स हैं वो ज़्यादातर इलिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनके लिए आप ग्राफिकल पोस्टर बनाएं ताकि वो उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो पढ़ने के लिए उनके लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन तस्वीरों को पहचानना आसान होता है और उसको याद करना भी आसान होता है। जब वो पोस्टर वहाँ पर लगे हुए होंगे तो बार बार जब दफ़ा भी वो वहाँ से गुजरेंगे वो उसको देखेंगे और देखने से वो उसको याद कर लेंगे। तो कुछ अर्से के बाद वो लोग उस सिस्टम में आ जाएंगे जो सिस्टम आप उसमें वेस्ट मैनेजमेंट का इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तदवीर या सेंटर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसने कुछ कलर कोडिंग दी है कि मुख्तलिफ किस्म के वेस्ट के लिए मुख्तलिफ किस्म के स्किप रखे जाए, ताकि ये भी एक आइडेंटिफिकेशन का या वेस्ट मैनेजमेंट को इफेक्टिव करने का मौसर बनाने का तरीका है। उससे क्या होता है कि जब रंग मुख्तलिफ रंग के बिन रखे होते हैं, मुख्तलिफ रंग के जो ड्रम रखे होते हैं, तो लोगों के लिए पहचानना आसान होता है। अगर ये ब्लैक कलर का या काले रंग का ड्रम रखा हुआ है तो मुझे इसमें कौन सा वेस्ट डालना है, अगर ग्रीन रंग का ड्रम रखा हुआ है तो इसमें मुझे कौन सा वेस्ट डालना है। इसलिए डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कलर कोडिंग डेवलप करती है। हमारे यहाँ अबू धाबी में सेंटर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट ने भी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए स्पेशली और इंडस्ट्रियल के लिए डिफरेंट किस्म की कलर कोडिंग ऑलरेडी डिफाइन की है। अगर हम बात करें कुछ ऐसे वेस्ट की जो रिसाइकलेबल नहीं है या कंपोस्ट हो सकता है, ऐसा वेस्ट जो है उसके लिए ब्राउन कलर रखा गया है। जब भी ब्राउन कलर स्किप होगा उसमें कौन सा वेस्ट आप डाल सकते हो, फूड है, कोई जानवर मर जाता है, एनिमल वेस्ट है, कोई आपका सैनिटरी का स्लज है वो उसमें जा सकता है, ग्रीन वेस्ट जा सकता है, कब जो पौधे कटते हैं आप उसकी जो ब्रांचेज हैं वो कट करते हो तो वो आप उसमें डाल सकते हो एक अलग तौर पर। सेम ऐसे जो ग्रीन कलर का ड्रम है वो आपका रिसाइकलेबल वेस्ट के लिए उन्होंने कोड जो है वो डिफाइन किया है। रिसाइकलेबल में क्या आता है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, डेमोल्यूशन वेस्ट है जो कंस्ट्रक्शन से निकलता है या जो बिल्डिंग गिराते हैं उसका जो वेस्ट निकलता है, मेटल्स है, प्लास्टिक है, उसके अलावा आपका कार्डबोर्ड है, पेपर है, ये सारा आपका जो है वो आपका रिसाइकलेबल वेस्ट है। फिर कुछ वेस्ट ऐसा है जो रिसाइकल नहीं हो सकता, जो कि मिक्स वेस्ट आता है या उसको किसी किस्म का उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं ये जनरल वेस्ट है, उसके लिए ब्लैक कलर है, उसके लिए जो है काले रंग कोड जो है वो उसके लिए रखा गया। उसमें आपको स्ट्रीट क्लीनिंग के जितने भी आपके वेस्ट है, स्ट्रीट क्लीनिंग से निकलता है वो वेस्ट उसके अंदर आता है, होम वेस्ट है वो सारा आपका जनरल वेस्ट होता है जो किसी किस्म का उसमें ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। सेम ऐसे ही जो रेड कलर का जो स्किप है या ड्रम है वो हैजरस वेस्ट के लिए, हैजरस वेस्ट वो वेस्ट है जिससे हमें भी खतरा हो सकता है, इन्वायरमेंट को भी खतरा हो सकता है, पानी भी को खतरा हो सकता है, हवा को खतरा हो सकता है, वो वेस्ट हम उसको हैजरस वेस्ट कहते हैं, जो हवा खराब कर दे, जमीन खराब कर दे, हमारी सेहत को खराब कर दे, वो हैजरस वेस्ट है। उसमें क्या चीज़ है, मेडिकल वेस्ट है, टॉक्सिक वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, एस्बेस्टोस का वेस्ट है, या इंडस्ट्रियल का जो स्लज निकलता है, गारा निकलता है, वो आपका हैजरस वेस्ट में शामिल होता है। सेम ऐसे जो ऑफिस के इन्वायरमेंट के लिए बिन्स है, ऑफिस के इन्वायरमेंट के बिन्स के कलर्स जो है वो कोई सेट कलर्स नहीं है, कोई आइडेंटिफाइड कलर्स नहीं है, कोई ऐसे रेगुलेटेड कलर नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद कलर डिफाइन कर सकती है, कोड डिफाइन कर सकती है। बेसिक पर्पज़ क्या है कि लोगों को समझ में आए कि अगर नीले रंग का ड्रम रखा है तो वो किस लिए है, रेड कलर का ड्रम है तो वो किस लिए है, ग्रीन कलर का ड्रम रखा हुआ है तो वो किस लिए है। जिस तरह आपके सामने एक एग्जाम्पल हमने रखी है, यहाँ पे ब्लू कलर का ड्रम हमने रखा है, उससे कहा है हमने कि ये पेपर वेस्ट है, रेड कलर का ड्रम हम कहते हैं मेटल वेस्ट है, येलो कलर का है तो ये मेडिकल वेस्ट है, ऑरेंज कलर का है या माल्टे रंग का है तो ये प्लास्टिक का वेस्ट है, ग्रीन कलर का है तो फूड वेस्ट है, ब्लैक कलर का है जनरल वेस्ट है। ये वो कलर कोडिंग है जो मेजॉरिटी कंपनी, बहुत सी कंपनीज इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल करते हैं ये वाले कलर कोडिंग। यही सेम आप अपने पास भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट कलर के नहीं परचेज करना चाहते, सिंगल कलर के परचेज करते हैं, उसके अलावा भी एक सोल्यूशन है, आप लेबल लगाएं उसके ऊपर, पेपर प्रिंट करके लेबल लगा देंगे, इसमें पेपर वेस्ट डालना है, इसमें मेटल वेस्ट डालना है, इसमें प्लास्टिक वेस्ट डालना है, इसके अंदर हैजरस वेस्ट डालना है, डिफरेंट किस्म के लेबल लगा सकते हैं और जिसपे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक पर्पज क्या है इसका, सब कुछ करने के बताने का मकसद क्या है, ताकि आप अपने एरिया में एज एन एचएससी ऑफिसर या जो भी आप इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो आप अपने इस एक्टिविटी को किस तरह से मौसर बना सकते हैं, किस तरीके से आप वेस्ट की मकदार को कम कर सकते हैं जो लैंडफिल में जा रही है या डंप होने के लिए जा रही है, किस तरह से आप उस वेस्ट में से काम की चीज़ों को निकाल सकते हैं जो कि रीयूज हो सकती हैं या रिसाइकिल हो सकती हैं, यही उसका अहम पैगाम है और उसका यही अहम मकसद है। उम्मीद है आपको हमारा टॉपिक जो है वो पसंद आया होगा।
कोशिश हमने की है कि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, अच्छे तरीके से बता सकें जो आपकी समझ में आए और आप आगे उसको समझा सकें। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर मौजूद है। अगर हमारी वेबसाइट पर जाएंगे जिसका नाम है www.redseaconsultancy.org और वहाँ जाके आपको ऊपर मेन्यू में ब्लॉग्स का एक मेन्यू नज़र आएगा, उसमें क्लिक करके नीचे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको ये फाइलें मिल जाएंगी। आप वहाँ पढ़ भी सकते हैं और इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप जब चाहें इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आगे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने इसमें कोई ऐसा कॉपीराइट का इस तरह का सिलसिला नहीं रखा है, तो आप यही सेम चीज़ अपने लगा के अपने लोगों को बता सकते हैं, पेश कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इस सेम चीज़ को। तो उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड जो है हमारी ये अच्छी लगी होगी। मज़ीद एपिसोड जो है वो आगे आएंगी और हम कोशिश करेंगे अच्छे टॉपिक्स लेकर आए। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियोज़ बनाएँ, तो आप भी हमें अपने मैसेज में हमारे हमें बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोज़ चाहिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वीडियोज़ बनाएँ और आपको उससे फ़ायदा हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।